गणेश विसर्जन पर्व का आज वडोदरा शहर में एक अनोखा श्रद्धापूर्ण धार्मिक माहौल छाया, जहां आज शहर के नवलखी सहित के तमाम कृत्रिम तालाबों पर पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के बीच 2500 से भी अधिक श्रीजी की प्रतिमाओं का तमाम कोरोना की गाइडलाइन के अधीन विसर्जन संपन्न किया गया। वडोदरा शहर में पिछले 10 दिनों से महंगा आतिथ्य मना रहे वैसे विघ्नहर्ता और सर्वदेव में पूजनीय सर्वप्रथम वैसे गणेश जी का गणेश पर्व हर्षोल्लास माहौल में मनाया गया। सुबह शाम श्रीजी के भक्तों द्वारा श्रीजी की भक्ति आराधना आरती करते हुए श्रीजी में बनने के साथ गणेश पर्व का लुफ्त उठाया गया। तो वहीं आज अनंत चतुर्दशी यानी कि अनंत चतुर्दशी के अंतिम दिन पर गणपति जी का विसर्जन पर्व मनाते हुए वडोदरा शहर में एक अनोखा माहौल छाया था। आज अनंत चतुर्दशी के दिन आनंद और उल्लास के बीच भक्तों द्वारा श्रीजी को भावपूर्ण विदाई देते हुए नगरजन कहीं ना कहीं भावुक भी हुए थे। तो वही तंत्र द्वारा ये विसर्जन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए तमाम तैयारियां परिपूर्ण कर दी गई। शहर के नवलखी सहित के तमाम 4 कृत्रिम तालाबों पर 2500 से भी अधिक प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए वडोदरा ट्रैफिक पुलिस विभाग, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सहित फायर ब्रिगेड, डॉक्टर्स टीम सहित हर एक प्रशासन और वहीवटी तंत्र अलर्ट और सावधान रहते हुए व्यवस्था को परिपूर्ण किया गया। आज गणेश पर्व के समापन के साथ अंतिम दिन और सबसे बड़े विसर्जन अंतर्गत शांतिपूर्ण माहौल में ये विसर्जन संपन्न करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा व्यूहात्मक बंदोबस्त की योजना की गई थी। वडोदरा शहर में हर एक कृत्रिम तालाबों पर 8000 जितने सुरक्षा कर्मचारियों के बीच आज दोपहर से ही पुलिस बंदोबस्त तैनात रखते हुए ये विसर्जन संपन्न करने के लिए आयोजन बनाए गए। गणेश पर्व की मची धूम के बीच आज श्रीजी भक्तों द्वारा भारी मन के साथ और बाप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आके नाथ के बीच और शांतिपूर्ण माहौल में बापा को विदा किया गया। शहर के नवलखी स्थित कृत्रिम तालाब पर आज ये विसर्जन को तराशते हुए और तमाम व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, मेयर के यू रुकड़िया सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था और जाम घटित न हो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन, नो पार्किंग, नो एंट्री के साथ कृत्रिम तालाब के आसपास फ्लड लाइट्स, बड़ी गणपति की मूर्तियों के लिए क्रेन की व्यवस्था भी बनाई गई थी, जहां आज तमाम व्यवस्था के बीच और निर्विघ्न माहौल में बरसाती मौसम में भी गणपति जी का विसर्जन करते हुए भक्तों के बीच भावुक माहौल दिखने को मिले थे।
पवन ये पुरवाई, मौजों पीले आलाई, गणपति जी उस पार चले, भीतर सबका प्यार चले, सफल हुई सबकी पूजा, ऐसा ना कोई दिन दूजा, घटा गगन पर लहराई, डीजे थी चालसे अपना घरे डीजे नानू मोटू लई आवीए चालसे पेला करता तो हमणा सारू छे सरकार पण एक जग्या साची छे के डीजे नहीं वगाड़वानू ढोलक वोलक पशुन नहीं मास्क पहेरवानू सैनिटाइजर करवानू पोतानी सेफ्टी राखवानी आपणा माटे ज सरकार करे छे बीजा माटे तो नहीं करती प्रार्थना करशो गणपति बाप्पा ने प्रार्थना करीशु के अगली वक्त आओ ने तो सारी सारू करीने आवजो के आ बधुं कशुं नहीं बाप्पानी विदाय थई गई खुशी विदा कई रीते थई थोड़ुक सारू नहीं लागतुं पण एक एवुं होय छे के बाप्पा ने जता वक्ते तो थोड़ुक सारी रीते लई जवानुं होय छे ने एटले थोड़ुक ए थाय छे शुं नाम छे तमारुं महावर भूमि हरीशभाई आज समग्र वडोदरा सिटी में अनंत चतुर्दशी दिवसे एक साथ खूब मोटी संख्या में गणेश विसर्जन थई रहा है एटले ए व्यवस्थित रीते थाय एमना माटे आगोतरो आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने चार जेटला कृत्रिम तळावो बनावामां आव्या छे। आ चारे चार कृत्रिम तळावो में पाणीनी व्यवस्था तरापाओनी व्यवस्था मेनपावरनी व्यवस्था करवामां आवी छे एमनी सेफ्टी अने सिक्योरिटी माटे अने कोईपण जानहानि ना थाय एमना माटे फायरनी टीम्स अने सिक्योरिटीनी टीम्स पोलीस बंदोबस्त स्टैंड बाय पर राखवामां आव्युं छे। दरेक जगह पर रोड रस्तानी व्यवस्था स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करवामां आवी छे अने पुलिस विभाग साथ वन विभाग साथ MGVCL अने कॉर्पोरेशन जुदा जुदा विभागों साथ संकलन करीने समग्र प्रकार की कार्यवाही करवामां आवी रही छे। वडोदरा शहर लोकोए सदैव तंत्र ने खूबज कोविड वक्ते साथ सहकार आप्युं छे। गणेश विसर्जन में पण गणेश स्थापना में पण लोको अने वहीवटी तंत्र अने पुलिस बधा मळीने गणेश विसर्जन की प्रक्रिया में भाग लई रह्या छे। बधाने हुं फरीथी अपील करूँ छूँ कि COVID-19 ने गाइडलाइन्स फॉलो थाय अने जो प्लान बनावामां आव्युं छे ए प्लान चोक्कस रीते एमना तरफथी पण अमल करवामां आवे एवी हुं अपील करूँ छूँ। આજે ગણપતિ વિસર્જનના નિમિત્તે પોલીસ તરફથી તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરેલ છે। ગઈકાલે રિહર્સલ પણ કરેલ છે, QRT ની ટીમો રાખેલ છે, CCTV કેમેરા પણ છે, ડીપ પોઈન્ટો ધાબા પોઈન્ટો અને પોલીસને જે કાંઈ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવાની છે એ તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરેલ છે। ખાસ કરીને CCTV હા CCTV કેમેરા અહીં તળાવ ઉપર પણ છે, વચ્ચે રૂટ ઉપર પણ છે અને વચ્ચેના ગ્રાઉન્ડ ઉપર છે અને રોડ તો તમામ CCTV કેમેરા છે। એટલે કેટલો સ્ટાફ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો? બંદોબસ્તમાં 3,000 જેવા પોલીસ કર્મચારીઓ લાગેલા છે। જી સર, અને ખાસ મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવે છે અમારા CP સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે અને એડિશનલ CP સાહેબની સૂચના મુજબ તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે। ગણપતિ ભગવાનનું આજના દિવસે શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉત્સાહપૂર્વક લોકો વિસર્જન કરવા માટે કૃત્રિમ તળાવો જે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ બનાવ્યા છે, ચાર જેટલા કૃત્રિમ તળાવો એના પર લોકો વિસર્જન કરવા માટે આવે છે। આવતા વર્ષે ગણપતિ ભગવાન ફરીવાર બિરાજમાન થાય અને શહેરના લોકોને આશીર્વાદ આપે અને ત્યારે આજના દિવસે વિસર્જન કરતાં તેમના આનંદ અને ઉત્સાહનો પાર હોતો નથી, લોકો ઉત્સવના રૂપમાં એને ઉજવી રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચાર જેટલા કૃત્રિમ તળાવો ખાતે
तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं अँ कृत्रिम तलावनी एनी स्वच्छतानी एनी आजूबाजू सिक्योरिटीनी फायर ब्रिगेड एलर्ट पर तमाम 17 जेटली क्रेनों मूकीने लोको सुविधापूर्ण रीते गणपति भगवान विसर्जन करी शके ए दिशानी अंदर वडोदरा महानगरपालिकाए तमाम व्यवस्थाओ करी छे अने आनु निरीक्षण करवा माटे सांसद श्री धारासभ्यश्रीओ कमिश्नर श्री एनी साथे अमारा कोर्पोरेशनना होद्देदार पक्षना आगेवान तमाम उपस्थित रहीने छेल्ली घड़ीनुं पण निरीक्षण अमे कर्युं छे। લોકોને આપના માધ્યમથી અપીલ કરું છું, ઓછી સંખ્યામાં કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરીને સૌ વિસર્જન કરીએ, શ્રદ્ધાપૂર્વક ભાવભક્તિપૂર્ણ રીતે ઉત્સવની રીતે આપણે સૌ વિસર્જન કરીએ। ફરીવાર આવતા વર્ષે ગણપતિ ભગવાન આવે ત્યારે આ કોરોનાની મહામારી ના હોય, ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક લોકો આ ઉત્સવ ઉજવી શકે એવી પ્રભુ ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ, એની સાથે લોકોને પણ અપીલ કરીએ છીએ કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું ચુસ્તપણે પાલન કરે।